नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपको 3 BHK का फ्लैट जो कि गेटेड गार्डन सोसाइटी में बना हुआ है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही अगर बात कर ले इस फ्लैट के स्पेस की, तो इसमें आपको 100 स्क्वायर यार्ड का स्पेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस इस फ्लैट का रहता है। और अगर बात कर लें इस फ्लैट की लोकेशन की, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन में जो है आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन की अगर मैं बात करूँ, तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन जो है इस फ्लैट से सिर्फ 700 मीटर्स पे जो है आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी जो है आपकी रहती है। और अगर नियर बाय लोकेशंस की बात की जाए, तो डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सारा ही कुछ आपको काफ़ी नियर बाय देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर आपको IJI एयरपोर्ट जाना है, तो सिर्फ जो है आपका जो डिस्टेंस रहेगी सिर्फ 15 से 20 मिनट में जो है आप IJI एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, और गुड़गांव भी आप यहाँ से निकल सकते हो हार्डली हार्डली 30 मिनट के अंदर। तो कनेक्टिविटी जैसे कि आपने देख ही लिया कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और साथ ही अगर बात कर ले इस फ्लैट की अमेनिटीज़ की, तो काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लिफ्ट मिलती है आपको, कार पार्किंग, रजिस्ट्री और होम लोन की फैसिलिटी मिलती है। साथ ही 24/7 जो है आपको सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटीज़ में देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी इस फ्लैट की अमेनिटीज़। अब बात कर लेते हैं इस फ्लैट की, अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो होम लोन है इसमें आपको सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट दे के जो है आप फ्लैट बुक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फ्लैट रहने वाला, और सारे ही जो भी है इसमें, इस फ्लैट में जो है गिफ्ट्स भी रहने वाले, तो वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। साथ ही वीडियो को जो है शुरू करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आकाश, आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड। और साथ ही जो है अभी मैं आपको बिल्डिंग का जो है फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूं, देन पार्किंग, और फिर हम इस फ्लैट का जो है डिटेल वीडियो देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी जो है आपको सोसाइटी दिखने वाली है। एक टावर हमारा इस तरफ है और एक टावर हमारा इस तरफ रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। और अंदर चलते हैं, इसकी पार्किंग देख लेते हैं। ये जो है हमारा गेट आप देख सकते हो, मेन डोर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये जैसे कि मैंने बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी यूनिट 1 की जो है पूरा टावर आया था, और ये हमारा यूनिट 2 का टावर है। तो बेसिकली जो अभी हमने फ्लैट जो है आपको दिखाया है वो यूनिट 2 का दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी ह्यूज पार्किंग आ जाती है, स्टील पार्किंग आपको पूरी मिलने वाली, देख सकते हो आप पूरी यहाँ पे भी पार्किंग हमारी, और पूरी इस साइड भी जो है पार्किंग रहने वाली है। तो काफी जो है पार्किंग की कोई भी आपको इश्यू इसमें आने वाला, तो चलते हैं और अब अपने फ्लैट का सिनेमैटिक देख लेते हैं। देख सकते हो अभी हम जो है अपने फ्लैट की एंटर मतलब कर चुके हैं अपने फ्लैट में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो थी हमारी फ्लैट की एंट्रेंस रहने वाली है। तो हम एंटर यहाँ से डोर की क्वालिटी एंटर करते ही जो है आपको काफी अच्छे स्पेस का लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ मैं आपको बता दूं, अपोजिट में आप देख सकते हो काफी अच्छे साइज में जो है आपको टीवी पैनल देखने को मिल जाता है, तो इजिली आप अपने नीड के अकॉर्डिंग LED TV माउंट कर सकते हो। साथ ही इसके अपोजिट आप देख सकते हो यहाँ पे जो है L शेप में काफी अच्छी जो है आपको स्पेस देखने को मिलता, तो यहाँ पे आप अपना सिटिंग का एरिया बना सकते हो, सोफा वोफा जो भी आप अपना यहाँ पे प्लेस कर सकते हो विथ सेंटर टेबल। इस वाली वॉल पे आप देख सकते हो आपको स्प्लिट AC की फिटिंग्स देखने को मिल जाती है, तो इजीली आपका स्प्लिट AC भी लिविंग एरिया में माउंट हो जाएगा। साथ ही ये वाली वॉल पे आप देख सकते हो हमने 3D वॉलपेपर लगा रखा है, बाकी चेंज भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो, तो ये चेंज भी हो जाएगा। बाकी लिविंग एरिया एक बार आप फोर सीलिंग देख सकते हो, काफी अच्छी यहाँ पे फोर सीलिंग का डिजाइन रहने वाला है। जो है सैंडलर की यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, हमने ऑलरेडी जो है सैंडल यहाँ पे लगा के दे रखा है, तो काफी अच्छा यहाँ पे फ्लैट रहने वाला है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे जो कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है। वेंटिलेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे जो है विंडो का स्पेस आपको देखने को मिलता है, एंटी स्कीपिंग फ्लोरिंग है, रूफ एंड तक टाइलिंग है, और साथ ही वॉश बेसिन का एरिया और सीट भी आपको देखने को मिलती है, आपका शावर एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेसिकली अभी आप देख सकते हो ये हम अपने फर्स्ट बेडरूम में आ गए, काफी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है हमने 3D वॉलपेपर का डिजाइन कर रखा है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, डबल डबल जो है आप अपना बेड प्लेस यहाँ पे कर सकते हो,
और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो फोर सीलिंग का डिजाइन काफी अच्छा कर रखा है। साथ ही ये जो फ्लैट है 3 BHK एल टाइप का फ्लैट था, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बालकनी का स्पेस देखने को मिलता है, विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है काफी अच्छी यहाँ पे बालकनी देखने को मिल जाती है। एल टाइप का फ्लैट है तो यहाँ पे आपको बालकनी का स्पेस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट बेडरूम था। चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम का स्पेस देख सकते हो, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। पीछे वॉलपेपर का डिजाइन है, ठीक है, और फोर सीलिंग इसमें भी कर रखी है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो पूरी आपको स्लाइडिंग डोर की जो है वार्डरोब देखने को मिल जाती है, जो कि रूफ एंड तक है। ठीक है, तो काफी अच्छे यहाँ पे है, और साथ ही वेंटिलेशन के लिए जो है यहाँ पे आपको विंडो का स्पेस भी है, तो आप विंडो एसी भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी जो है वेंटिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन जो है आपको किचन देखने को मिल जाती है, जो कि यू शेप में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो चिमनी जो हमने यहाँ पे लगा के दी हुई है, और यहाँ पे आपको पूरा मार्बल का वर्क देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ जो है टाइलिंग है पूरा जो है प्रॉपर हमने यहाँ पे बनवा के दी हुई है आपको कबर्ड, तो आप इजीली, और यहाँ पे जो आपको आरओ का स्पेस भी अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्पेस है सेपरेट जो है आपको सिंक का स्पेस देखने को मिलता है। साउंड प्रूफ सिंक है, टैप की फिटिंग्स हम आपको करवा के देंगे, और यहाँ पे जो है आपका आप आरओ यहाँ पे आप अपना प्लेस इजिली कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको ड्रॉर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपनी कटलरी भी यहाँ पे रख सकते हो। काफी अच्छा किचन आपका यहाँ पे रहने वाला है, ओपन किचन है, यू शेप का जो है आपको किचन देखने को मिलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि किचन में जो है हम आपको दिवाली से पहले अगर आप इस फ्लैट की बुकिंग करते हो तो हम आपको जो है किचन में आरओ भी लगवा के देंगे। चिमनी हमने ऑलरेडी लगा रखी है, आरओ भी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही और भी गिफ्ट्स हैं, तो वीडियो को देखते रहो। और अभी हम आ गए हैं अपने थर्ड बेडरूम में, जो कि लास्ट बेडरूम हमारा रहने वाला है। स्पेस आप देख सकते हो काफी अच्छा जो यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, पीछे आप जो पीछे वॉल देख रहे हो उस पर आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, वेंटिलेशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही इस साइड आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है आपको स्लाइड में स्लाइड डोर की जो है वार्डरोब देखने को मिल जाती है, जो कि रूफ एंड तक यहाँ पे रहने वाली है। इसके जस्ट अपोजिट आपको टीवी पैनल देखने को मिल जाता है। अब टीवी पैनल की बात हो रही है, तो इस फ्लैट की अगर आप बुकिंग करवाओगे तो इसमें आपको टीवी पैनल जो टीवी है एलईडी टीवी 32 इंच की, वो भी आपको जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और ये सारे ऑफर्स तभी अवेल आप कर सकते हो जब आप जो है दिवाली से पहले इस फ्लैट की बुकिंग करवाते हो। चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। तो यहाँ पे आप अटैच वॉशरूम भी देख सकते हो, यहाँ पे जो हम सीट का एरिया आपका यहाँ पे आ जाता है, वॉश बेसिन का एरिया, और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा है अटैच वॉशरूम का भी। और इस फ्लैट से भी जो है आपको वेंटिलेशन के लिए बालकनी देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 BHK एल टाइप का फ्लैट रहने वाला है, और बालकनी जो है आपको सेपरेट देखने को मिलती है। हमारा जो फर्स्ट बेडरूम था उससे जो है आपको बालकनी देखने को मिलती है, साथ ही इससे जो है हमारी सेपरेट बालकनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी यहाँ पे जो है बालकनी रहने वाली है, और आप इसको एज अ क्या कहते हैं वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छी यहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा फ्लैट है ये 3 BHK एल टाइप का। साथ ही 50 फीट के रोड पे जो है ये आपको फ्लैट देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा यहाँ पे फ्लैट रहने वाला है। एमेनिटीज लोकेशन सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस फ्लैट की बुकिंग करवाने तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप इस फ्लैट को जो है बुक भी करवा सकते हो। और साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा ऑफिस का, तो वहां पे भी विजिट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इस फ्लैट की प्राइसिंग की। तो इस फ्लैट की जो प्राइसिंग हमने यहाँ पे रखी हुई है 43 लाख रुपीज जो है इस फ्लैट की पोस्टिंग रखी हुई है। दिवाली ऑफर एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फ्लैट की अगर आप बुकिंग करवाते हो तो आपको इसमें एलईडी 32 इंच की, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। साथ ही जो है आपको यहाँ पे आरओ भी इस फ्लैट में आपको लगा के देंगे, और ये तभी आप कर सकते हो अवेल जब आप मतलब क्या कहते हैं जो फ्लैट की बुकिंग है वो दिवाली से पहले करवाते हो। तो जल्दी से फोन उठाओ, कॉल करो हमें, और इस फ्लैट की बुकिंग करवाओ। और डाउन पेमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ जो है 10% जो है यहाँ पे आपको देना, बाकी का आपका रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी है होम लोन आप इजिली करवा सकते हो। तो फटाफट फोन उठाओ, कॉल करो हमें, इस फ्लैट की बुकिंग करवाओ जल्दी से जल्दी। जो है ऑफर का आप अपना ऑफर जो भी आप अवेल करो। तो मैं आकाश मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।